हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर सोनिक। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। कबीर भाई ने मुझसे कमेंट करके बोला था कि भाई लैंड क्रूज़र के क्रैशेस दिखाओ, तो आज आप लोग वही देखने वाले हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ देखनी होगी इस गाड़ी की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं लैंड क्रूज़र के बारे में। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अगर फॉर्चुनर के सामने से खड़ा कर दिया जाए तो फॉर्चुनर भी इसके सामने बच्ची सी लगेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा मस्कुलर और कितनी ही ज़्यादा बड़ी है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो लगभग इंडियन मार्केट में 1.47 करोड़ रुपीज़ के आसपास में है। फिलहाल तो अगर आप लेने जाएंगे तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, बट आप लोगों को 2021 का वेरिएंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जो कि टेस्टिंग पे है। खैर वो सब छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने एक्सीडेंट्स के बारे में कि ये सारे एक्सीडेंट कब और कहां पर हुए हैं। नंबर वन एक्सीडेंट के बारे में, ये पाकिस्तान के कराची में होता है जहां पर एक हाई स्पीड में आती हुई लैंड क्रूज़र मिस जजमेंट की वजह से सीमेंट बैरिकेड्स होते हैं उसमें भिड़ जाती है और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर के रोल ओवर हो जाती है। उसके बाद आप लोग गाड़ी की हालत देख ही सकते हो। गाड़ी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें माइनर सी इंजरीज आती हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। नंबर टू एक्सीडेंट, ये अपने इंडिया का ही एक्सीडेंट है। 25 फरवरी को ये एक्सीडेंट होता है जहां पर 5 लोग लैंड क्रूज़र में बैठ के शिमला से वापस आ रहे होते हैं घूम करके। इसी में एक लड़की भी बैठी रहती है जिसके बर्थडे को सेलिब्रेट करके वो वापस आ रहे होते हैं। लगभग 1:50 रात के टाइम में ये एक्सीडेंट होता है जब लैंड क्रूज़र 150 प्लस की स्पीड से भगाई जा रही होती है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के एक पोल से जाकर के हिट करती है और उसके बाद पलट जाती है। गाड़ी की आप लोग हालत देख सकते हो, जो एक वूमन रहती है जिसका बर्थडे रहता है वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जो बाकी 4 लोग रहते हैं वो बहुत गंदी तरीके से इंजर्ड होते हैं। गाड़ी की आप लोग हालत देख लो और उसके बाद खुद अंदाज़ा लगा लो कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इसकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी। नंबर थ्री एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट होता है फरवरी 26 तारीख को सैटरडे वाले दिन। ब्लैक कलर की एक लैंड क्रूज़र जो कि ओवर स्पीडिंग कर रही होती है हाईवे पे, और एक ट्रैक्टर जो कि सामान लेकर के आ रहा होता है, मतलब हाईवे ज्वाइन करने की कोशिश करता है, ट्रैक्टर ड्राइवर देख नहीं पाता और लैंड क्रूज़र उसे बहुत गंदी तरीके से हिट करती है। ये टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार रहती है कि जो ट्रैक्टर है वो 2 हिस्सों में बट जाता है और इनके चक्कर में एक और ट्रक जो रहता है वो भी इनकी चपेट में आ जाता है। उसके बाद जो आप लोगों की लैंड क्रूज़र है वो बहुत गंदी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहले तो ऑफ रोड होती है और उसके बाद 2-3 बार पलटती है और जाकर के एक ग्राउंड रहता है उसके अंदर टिक जाती है। जो बंदा इसके अंदर बैठा रहता है, मतलब 3 लोग जो बैठे रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आती हैं, बट उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, फिर वहाँ पे उनकी जान बच जाती है। नेक्स्ट नंबर 4, केनिया का एक्सीडेंट है जो कि 25 अगस्त 2019 को होता है। एक ओलंपिक चैंपियन जो कि अपनी लैंड क्रूज़र, कुछ ब्लू कलर की लैंड क्रूज़र रहती है, उसमें बैठ के जा रहा होता है और हेड ऑन कोलिजन हो जाता है एक बस से, क्योंकि थोड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है ये बंदा और सामने से बस आ रही होती है। आप लोग देख सकते हो बस की भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, राइट साइड से ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गई है और लैंड क्रूज़र का तो मत ही पूछो। खैर इसके अंदर जो बंदा बैठा रहता है काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है, बिकॉज जो इम्पैक्ट है वो गाड़ी के केबिन तक नहीं पहुँचता, इस वजह से इस बंदे की जान बच जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, ये है चंडीगढ़ सेक्टर 29 का एक्सीडेंट जो कि फरवरी 16 को होता है। पंजाबी सिंगर की ये गाड़ी रहती है जिसको इनका ड्राइवर चला के जा रहा होता है, बट उस वक्त ये सिंगर इस गाड़ी के अंदर नहीं होते जब ये एक्सीडेंट होता है। एक इंडिगा वाला बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा रसली ड्राइविंग कर रहा होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो पहले जाकर के एक पुलिस या फिर एक गवर्नमेंट व्हीकल को हिट करता है और उसके बाद लैंड क्रूज़र को हिट करता है। खैर लैंड क्रूज़र में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं आता, बट आप लोग यहाँ पर इंडिगा की हालत देख सकते हो जो कि खस्ता हो चुकी है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डेंट देखने को मिलेगा और शायद इसका एक्सल भी शायद टूट गया है, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता। और जो इंडिका वाला बंदा होता है उसके हेड में काफ़ी इंजरीज आती हैं, बाद में उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 एक्सीडेंट जो कि पाकिस्तान में होता है और मुझे लगता है कि लैंड क्रूज़र का सबसे ज़्यादा खतरनाक ही एक्सीडेंट है। मोटरवे M5 पे एक्सीडेंट होता है और रात के टाइम में ये एक्सीडेंट होता है जहाँ पर हाई स्पीड में इस गाड़ी को चलाया जा रहा होता है। 5 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, रात में कम विजिबिलिटी होने की वजह से भाई वो देख नहीं पाते और जाकर के एक ट्रक से भिड़ जाते हैं फुल स्पीड में, और उन्हीं के जस्ट थोड़े सी पीछे आ रही होती है एक बस जो कि उन्हें नहीं देख पाती और वो भी घुस जाती है। 5 लोग जो रहते हैं भाई वो ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। गाड़ी की खुद हालत देख लो, मैंने अभी तक किसी भी लैंड क्रूज़र की ये हालत नहीं देखी है। आप लोगों ने देखी है या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर 7 एक्सीडेंट, ये संडे के दिन होता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट होता है और सडनली ब्रेकिंग की वजह से। नॉर्मली ये लोग हाईवे पे जा रहे होते हैं और होता है क्या, जो आगे चल रही होती है गाड़ी वो एकदम सडनली ब्रेक लेती है और उसके बाद जो लैंड क्रूज़र वाला बंदा होता है वो भी ब्रेक लेता है, बट वो कॉलिजन से बचने के लिए गाड़ी को मतलब टर्न कर देता है और
और उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रोड होने के बाद एक पोल से टकराता है और जाकर के एक नाली या फिर मड जैसा रास्ता रहता है, वहाँ पर जाके गिर जाता है। खैर गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोगों को चोट नहीं आती, एयरबैग वेयरबैग खुल जाते हैं, सब सेफ रहते हैं, किसी को भी माइनर सी भी इंजरीज नहीं आती, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट नंबर 8 एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक्सीडेंट भी पाकिस्तान का है और ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। मतलब आप लोग गाड़ी की हालत देखो और आप लोग मुझे बताओ कि क्या हुआ होगा इस गाड़ी के साथ। ये एक्सीडेंट होता है M4 मोटरवे पे, जहाँ पर एक लैंड क्रूज़र जो जाके ट्रक से भिड़ जाती है। बट इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी मतलब लकी रहते हैं कि उनकी जान बच जाती है। थोड़ी बहुत इंजरीज आती हैं लेकिन उन लोगों की जान बच जाती है। गाड़ी तो ऑलमोस्ट आगे से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, पीछे से तो एक बार को बची है लेकिन आगे से आप लोग इस गाड़ी की हालत देख सकते हो जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर 9 एक्सीडेंट, ये है कोलंबिया का एक्सीडेंट जो कि 4 बजे शाम के आसपास में होता है संडे वाले दिन। एक लेडी ड्राइवर जो कि लैंड क्रूजर को काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करके चला रही होती है और एकदम से उसका कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है उससे, और वो जाकर के एक शोरूम में हिट करती है बहुत गंदी तरीके से, और उसी के अंदर खड़ी एक लग्जरी कार को भी बहुत गंदी तरीके से डैमेज कर देती है। आप लोग देख सकते हो जो कार अंदर शोरूम में खड़ी रहती है उसका क्या हाल है, और लैंड क्रूजर का भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। बाद में पता लगता है कि जो ये लड़की थी जिसने इस गाड़ी को ठोका वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बेटी है। बट अब उसके साथ क्या होता है क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यही एक एक्सीडेंट इनके बेटे ने भी कर रखा होता है ऑलरेडी पिछले साल। वो भी एक गाड़ी को हाई स्पीड में चला रहे होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के एक बंदे के ऊपर चढ़ जाती है जिसमें उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि सच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पावरफुल मतलब पीपल रहते हैं वो अपने बच्चों को मतलब दे देते हैं गाड़ी, और उनसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो उनको बचा लेते हैं या फिर बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 एक्सीडेंट, ये केनिया का एक्सीडेंट है। मई 10, 2019 में ये एक्सीडेंट होता है। एक लैंड क्रूज़र ब्लैक कलर की अपने रास्ते पे जा रही होती है नॉर्मली, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। देखो गाइस मैं आपको हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि हर बार आप गाड़ी अगर चला रहे हो तो गलती आपकी नहीं होती है, कभी कभी पीछे वाले की भी गलती होती है या फिर किसी और की भी गलती होती है। तो इसके अंदर जो ट्रक रहता है जो इसके पीछे आ रहा होता है वो बहुत गंदी तरीके से हिट करता है इस गाड़ी को, लैंड क्रूज़र को, और उसके बाद लैंड क्रूज़र तो ऑलमोस्ट धस जाती है पूरी की पूरी अंदर तक। बट इसके अंदर जो दो लोग रहते हैं उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी रहती है कि वो बच जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, और ये एक्सीडेंट शायद रेड लाइट पर खड़ी होने की वजह से होता है। मतलब नंबर 11 एक्सीडेंट, ये है नाइजीरिया का, जहाँ पर 30 अक्टूबर 2017 में ये एक्सीडेंट होता है। एक ब्रांड न्यू लैंड क्रूज़र, बिल्कुल ही मतलब 10 से 15 दिन पुरानी ये गाड़ी रहती है, और उसको एक वुमन ड्राइव कर रही होती है। ओवर स्पीडिंग करने की वजह से वो अपना कंट्रोल जो है खो देती है, और उसके बाद जो साइड में बना हुआ आप लोगों का डिवाइडर है उसी के अंदर स्किड होकर के ये लड़ जाती है। गाड़ी के जो एयरबैग्स हैं वो खुल जाते हैं, गाड़ी में आगे से हल्का फुल्का डैमेज आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट खैर यहाँ पर किस्मत अच्छी रहती है इस लेडीज़ की कि इसकी जान बच जाती है, गाड़ी तो दोबारा से बनवा ली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 12 एक्सीडेंट, ये ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है। चेरी कलर की ये लैंड क्रूज़र रहती है जो कि हाई स्पीड में रोल ओवर हो जाती है। कंट्रोल लॉस्ट होने की वजह से ये इंसिडेंट होता है। एयरबैग्स फ्रंट की जो विंड स्क्रीन है वो पूरी टूट जाती है, पीछे में भी इंपैक्ट आता है, रूफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट है। मतलब खैर इसके अंदर लोग बच जाते हैं, किसी को कुछ ज़्यादा हार्म चोट नहीं आती है क्योंकि सबने सीट बेल्ट पहनी होती है और एयरबैग्स भी इनकी जान बचा लेते हैं। तो अगर आप लोग भी सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते हैं तो गाइस हमेशा लगा के चलें, वरना आप लोगों के साथ भी ये हशर हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इंसिडेंट, और ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक्सीडेंट हुआ है दुबई में एयरपोर्ट रोड पे, जहाँ पर एक हाई स्पीड में लैंड क्रूज़र आ रही होती है, वो एक बाइकर को हिट करती है, उसके बाद कुछ गाड़ियों को हिट करने के बाद एक लैंड क्रूज़र के ऊपर जाकर के पता नहीं कैसे गिर जाती है, अनबिलीवेबल है। और उसके बाद जो बंदा एक रहता है जो उस गाड़ी के अंदर रहता है भाई, उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आती हैं उसकी, हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो जाती है। तो यही था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो देख करके कुछ समझने को मिला हो। कुछ इमेजेस जिसकी मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एक्सीडेंट कब कहाँ कैसे हुए हैं वो मैं इसमें ज्वाइंट कर देता हूँ, और साथ ही साथ में अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is